अस्सलाम वालेकुम, असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको पकौड़ा मिक्स बनाने का तरीका बता रही हूँ। पकौड़ा मिक्स बना हुआ होगा घर पे। रमज़ान में आप बस प्याज काटेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें थोड़ी सी लेंगे, तो पकौड़ा मिक्स हमारा तैयार पड़ा होगा और हम फौरी से बना लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। हाफ के जी के करीब मैंने बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने छान लिया है। 1 टीस्पून मैंने भर के अनारदाना लिए। अनारदाने को पहले मैंने धो के खुश कर लिया था। बिल्कुल खुश्क अनारदाना है ये, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने सूखी मेथी कसूरी, जो मैंने आपको सुखाने के लिए बताया था तरीका, वही मेथी मैंने इसमें यूज़ करनी है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून भर के साबुत धनिया। शुरू करते हैं। इसको एक जार के अंदर बना के रख लेंगे। जब हमें रमज़ानुल मुबारक आएगा हम इसको निकालेंगे। बिल्कुल फ्रेश होगा ये, ऐसे लगेगा अभी हमने निकाला है, बनाया है मसाले को। बेसन के अंदर मैंने हल्दी, काली मिर्च, कसूरी मेथी, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक आप हसबे ज़रूरत डाल लें, और जब आपको कम या ज़्यादा करना हो तो आप कर लेंगे। अनारदाना खुश्क है, बिल्कुल साफ करके मैंने इसको कर लिया था। धनिया और ज़ीरे का पाउडर, साबुत धनिया। ये मसाला हमारा सारा तैयार हो जाएगा और हम इसको एक मिक्स करके एक जार के अंदर बंद करके मैं रख लूँगी। और जब मुझे ज़रूरत होगी इसके अंदर प्याज बारीक बारीक काट के, आलू बारीक बारीक काट के, जो चीज़ हमने मिक्स करनी होगी करेंगे और हमारा बेसन रेडी होगा। ये देखिए कितना इजीली आराम से, कोई भी मेहमान आता है फटाफट आप इसी तरह बेसन की मिकदार ज़्यादा कर लें और मसाले इसी तरह आप ज़्यादा कर लें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कैसे मैंने मिक्स कर लिया है ये देखें। पकौड़ा मिक्स जो है था वो मैंने एक जार के अंदर डाल दिया है। इस जार को मैं महफूज करके रख लूँगी और जब रमज़ान है या इससे पहले भी हमने पकौड़े बनाने हैं, निकालेंगे बेसन को और बेसन रेडी होगा, हम फटाफट पकौड़े अपने तैयार कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।